लोहरदगा में रामनवमी के दिन हुए सांप्रदायिक हिंसा के बाद जिले में तनाव का माहौल बना हुआ है। इसको लेकर जिले के पुलिस अधीक्षक आर राम कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लोगों से शांति बनाने की अपील की है। साथ ही उन्होंने कहा कि जो इस शांति को भंग करने में शामिल होंगे उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि स्लीपर सेल को लेकर SIT की टीम गठित की गई है, जांच जारी है। सांप्रदायिक हिंसा को लेकर किसी के पास कोई सूचना हो तो वह SP के नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हम लोग जिले हरेक मोहल्ला में आमजनों और जिला प्रशासन के साथ मिलकर मोहल्ला में एक कमेटी बनाकर शांति माहौल बनाया जा रहा है। और जैसे गांव में हम लोग शांति से मीटिंग्स भी कर रहे हैं, ऐसा प्लान मोहल्ला कमेटीज भी हम लोग इस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं। हर एक मोहल्ला में प्रशासन और उधर का लोकल्स और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और क्या क्या सहायता है उधर मिल सकता है, मोहल्ला कमेटी से ऐसा पॉजिटिव डेवलपमेंट हम लोग उसको देख रहे हैं। और कोई भी सूचना और कोई भी इस घटना के बारे में हम लोग को खबर है तो तुरंत हमारा नंबर है 9431706218, उसमें आप कवर कर सकते हैं। आपका इन्फॉर्मेशन गोपनीय रखेगा और कोई भी पब्लिक का ये रिक्वेस्ट है, अफवाह मत फैलाइए और कोई भी छोटी सूचना है तो तुरंत पुलिस को बता दें, जिला प्रशासन को बता दें, हम लोग इस पर बिल्कुल कार्रवाई करेंगे। और पब्लिक से यही अपील है, शांति बनाकर रखना है, भाईचारा शांति बनाकर रखकर हम लोग पॉजिटिव वे में हम लोग मूव करना है। और लास्ट ये इम्पोर्टेंट मैसेज है, कहीं भी शांति को डिस्टर्ब करने के लिए कोई भी व्यक्ति काम कर रहे तो उस पर जरूर कानूनी कार्रवाई होगा, यही हमारा। थैंक यू सर। यहाँ पर अभी दो तीन चीज़ें निकल कर सामने आई है। पहला, SDO की ओर से कल कहा गया कि पूरे मामले में जो है वो स्लीपर सेल की भूमिका है। मंत्री जी ने आज कहा, डॉक्टर रामेश्वर राव ने कहा कि कुछ बाहरी लोगों का आना जाना था यहाँ पर, ये अतीत की बातें हैं, जो कुछ भी हैं क्या राष्ट्र विरोधी ताकतें लोहरदगा में प्रभावी हैं। हमारा यही इसमें पॉइंट है, हमारा SIT टीम गठित हुआ है, हम लोग उस पर इन्वेस्टिगेशन इज गोइंग, केस इज अंडर इन्वेस्टिगेशन। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन अगर आप कुछ बताना चाहें कि किस दिशा की ओर जा रहा है अनुसंधान? नहीं, वो कांड अनुसंधान है, केस इज अनुसंधान उसको हम लोग। कितना FIR अभी तक हो पाया है सर? अभी हम लोग 14 FIRs किया है इस समय में। कितने लोगों की गिरफ्तारी? 8 लोग। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।